जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए। सो एज वी हैव सीन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, एंड दिस स्ट्रक्चर वॉज बेस्ड ऑन टू थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वाइल स्टडींग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एंड दैट टू थिंग्स वर, द फर्स्ट वॉज द चारगाफ रूल एंड द सेकेंड वॉज द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए। नाउ चारगाफ रूल्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, दैट वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट इरविन चारगाफ। नाउ लेट सी वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। नाउ देयर वॉज अ साइंटिस्ट name Rosalind Franklin. Now Rosalind Franklin and also his co-worker, that was Morris Wilkin, they together found out the double helical structure of DNA. Now what they did in their experiment, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने एक्स रेज जो हैं वो पास की फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ DNA. कॉन्सेंट्रेटेड DNA से उन्होंने DNA सैम्पल से पास किया एक्सरेज को, ओके। एंड आफ्टर पासिंग द एक्सरेज दे फाउंड दैट डीएनए इज अ हेलिक्स, डीएनए जो है वो हेलिकल फॉर्म में है। फर्दर मोर उन्होंने और भी बहुत सारी फाइंडिंग्स की। इसके अलावा दे हैव टोल्ड दैट दिस डीएनए इज ट्विस्टेड लाइक अ कॉइल ऑफ अ स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग की कॉइल होती उस तरह ये मॉडल होता है। देन डीएनए हैज़ टू स्ट्रैंड्स, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दैट वी हैव स्टडीड वाइल स्टडिंग द स्ट्रक्चर। एंड ही हैज़ शी हैज़ ऑल्सो डिड्यूस दैट जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं दे आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डीएनए। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और भी बताई कि जो फॉस्फेट और शुगर चेन होती है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड, ठीक है, वो अंदर नहीं प्रेजेंट होती है, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड। साथ ही साथ जो हेलिक्स है, हेलिक्स जो है डीएनए इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, एक हेलिक्स में एक टर्न में हम कह सकते हैं कि कितने थे, 10 बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ओके। देन शी हैज़ ऑल्सो डिड्यूस दैट जो डीएनए है वो हेलिकल फॉर्म में तो है ही, साथ में उसकी जो विड्थ है दैट इज़ 2 नैनोमीटर। सो दीज वर ऑल द फाइंडिंग्स विच मॉरिस विल्किंस एंड रोजेलिंड फ्रैंकलिन दे हैव पुट फॉरवर्ड बाय देयर एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। उससे ये पता चला और इसी की फाइंडिंग के को लेके जो वॉटसन एंड क्रिक थे उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज किया और उसको स्ट्रक्चर पे हम कह सकते हैं कि और वर्क किया। बट जो उस वर्क की जो एक बेस था वो किसने दिया, वो रोजेलिंड फ्रैंकलिन ने ही अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि डीएनए जो वो हेलिक्स के फॉर्म में। फर्दर फिर जो और उस पर स्टडी हुई दैट वॉज डन बाय वॉटसन एंड क्रिक, और वो ही हैज़ गिवन द एक्यूरेट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ टू थिंग्स दैट वर द बेसिस, दैट वॉज द चारगाफ रूल एंड द एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉज प्रपोज्ड, एंड दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरे डिफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी और एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक गिवन बाय रोजेलिंड फ्रैंकलिन एंड हिज को वर्कर दैट वॉज मॉरिस विल्किन। सो दिस इज ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबडी।